हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग स्टार लीना शर्मा व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं आज मेरी फ्रेंड के फार्म हाउस पे, वहाँ पे हम बनाएंगे चूल्हे पे खाना और करेंगे मस्ती। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं और फिर वहाँ से अरुण भी वहीं आ जाएंगे और मेरी फ्रेंड मुझे पिक करेगी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर। तो मुझे लगा कि मैं पैदल क्यों ना चली जाऊँ, क्योंकि पैदल जाने से थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, वैसे होती नहीं है। तो बताती हूँ मैं आपको धीरे धीरे सारे अपडेट्स दूंगी, चूल्हे पे कैसे खाना बनता है वो भी बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद लीना शर्मा। हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे चल रहा है चूल्हा और यहाँ पे हम बनाएंगे अभी पनीर। अभी दिखाती हूँ आपको। ये है चूल्हा, ये है कोकी, देखो कैसे बैठी है, और ये है मोनिका, और ये मेरी पलक। सो गाइस, अरे रहिए लीना शर्मा के साथ, अभी हम दिखाते हैं हम कैसे कैसे बनाते हैं चूल्हे पे पनीर। स्टे ट्यून्ड। गाइस मैं बना रही हूँ दाल के पकौड़े, बहुत ही अमेजिंग बनने वाले हैं। अभी देखो फार्म हाउस पे सेल्फ कुकिंग, बड़ा इसका अलग ही आनंद है। और अभी चूल्हे पे बनाएंगे हम पनीर, और ये है बना रही चटनी, जो की कुछ नहीं कर रही, खाली ड्रेसिंग कर रही है और बस लहसुन की चटनी से बट्टे वाली जो इसे पीसी है। मजाक कर रहे हो, लग रही शक्ल से सिलपट्टे में चटनी पीसने वाली। नो वेज। तो गाइस पकौड़े बनने के बाद मैं आपको फोटो दिखाऊंगी कि कैसे बने पकौड़े। स्टे ट्यून्ड। अरे हम चूल्हे पे पनीर, मेरी बात दो मिनट रुक जाना यार। अरे चुप रहो गाइस, हमने डाल दिए हैं इसमें प्याज, अब डाल रहे हैं हम लोग इसमें मिर्च। बहुत टेम्पटिंग बनने वाली है गाइस, जस्ट वेट एंड वॉच। बनने के बाद बताती हूँ। अभी तेल बहुत गर्म हो चुका है और चूल्हा जल रहा है, चूल्हा मुझे जलाना नहीं आता, चूल्हा कोई और जला रहा है, मैं सिर्फ बना रही हूँ। Stay tuned। के भैया आप तो ले, ये हमारे गांव के भैया है और ये है ना, मेरे को बता रहे चूल्हा कैसे जलता है, चूल्हा ये जला रहे बना हुआ। अब हम निकल रहे हैं घर, हमने बहुत अमेजिंग खाना खाया, बाज रही चूल्हे की रोटी और खाई पनीर की सब्जी, अमेजिंग था सब कुछ। और खूब मस्ती करी, खूब डांस किया और अब हम जा रहे घर। डांस हम डाल नहीं सकते बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है, और मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। अगर आपको मेरा व्लॉग स्टार लीना शर्मा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। स्टे ट्यून्ड।